मैं वीडियो निकाल रहा था तो वो निकालने नहीं दे रहे थे। एक वीडियो जो है वो पुलिस वाले ने देख के जो हमारे मोबाइल में से पूरा डिलीट कर दिया। प्रैंक करना रहे तुम्हें? प्रैंक याद ही नहीं आया? आज शनिवार है और ये बंद रहता है, देखो आके भी वेस्ट हो गया। टीम मेंबर का बर्थडे, उसके लिए केक लेने को आए। यहाँ पे अभी धंटी में जो फ्लेक्स लगाने वाला है उसका तैयारी चल रहा है अभी। आज तारीख है 4 सितंबर और वो जो है वो देंगे 23 सितंबर को। करना वैसे काम तो टेम्प्ररी है, कुछ पार्ट टाइम के हिसाब से कुछ महीनों के लिए, लेकिन देखो उसके लिए भी कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। डंडी जो है वो यहाँ पे टांगी है और अभी जो ढोल ताशा पतक है वो आए हुए। तो आज जो है वो मेरे दोस्त जो लोग हैं उनकी टेस्ट के लिए आए हुए हैं, तो लाइन में लगे हुए हैं। अभी यहाँ पे एक और इंसिडेंट हुआ, मैं बताता हूँ बाद में थोड़ी देर में, कि मैं वीडियो निकाल रहा था तो वो निकालने नहीं दे रहे थे। एक वीडियो जो है वो पुलिस वाले ने देख के जो हमारे मोबाइल में से पूरा डिलीट कर दिया। शायद फॉर्म को कुछ इधर उधर हुआ है, सही फॉर्म मिला? हो गया। अभी दूसरा वाला उतरा, थोड़ा सा मांगो। हो गया। डर रहा था बहुत लेकिन हो गया, फाइनली हो गया। देखिए अभी वो जा रहे हैं सामने, उसको हमने सिंगल छोड़ दिया, हम दोनों जो है वो साथ में जा रहे हैं। पास होने की पार्टी देखो भाई की तरफ से, चार बार का ये लेकिन तू दो लिया ना? 20 रुपए मैंने लिया, 10 रुपए का लिया। हे नोट है, शंबर जी, शंबर जी का 5 जी। परंग करणार आहे तुम्ही? परंग हा, परंग करायचा बरं का? लक्ष नका देऊ, तुम्ही मोबाईल मध्ये लक्ष द्या, तिकडे पाहिजे। मोबाईल हसू नका काय बोलचे पडलेत का आता? हमारे एरिया के लड़के देखो कितने बदमाश है। अभी यहाँ पे एक नकली नोट डाली हुई है जिसे देख के ना, अभी देखो बहुत बदमाश रे हमारे इधर के बच्चे। तो आज का जो काम है वो हम करने के लिए निकले थे। सुबह से जो बारिश है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गाड़ी भी जो है काम के गई तो इसको मैंने तैयार किया कि चल जरा जाके जो साइन है वो लेके आएंगे। मेरा जो देखो अभी पूरा भीग गया हूँ मैं, गाड़ी चला चला गया। तो बारिश तो जैसे जानबूझ के परेशान कर रही है वैसे गिर रही है। सुबह से जो है वो चालू है और आज जो है वो मुझे करवाना पड़ेगा, ताकि जो है वो मेरे जो लाइसेंस है उस पर रिक्शे का बैच नंबर जो है वो आएगा। तो डॉक्यूमेंट जो बना लेके मैं गया था ड्राइविंग स्कूल वालों के पास, तो उनको दिया,
तो तब जो वो मेन मैडम थी नहीं तो सर थे, उन्होंने कहा ठीक है मैं उनको बता देता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे जल्दी नहीं बताया, अरे तुम ही लेके आओ, मतलब पहले बताया था, मैंने कहा कि आप देखो ना आपकी तरफ से एडजस्ट करके देखो ना, मैंने बोले नहीं हमारा जो है ना वो सिर्फ RTO का काम रहता है, ट्रैफिक वालों का काम रहता है, उसमें अपना कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको ही लाना पड़ेगा। तो अभी वही चल रहा है, अभी जा रहा हूँ मैं, और उसका भी टाइमिंग ऐसा है कि 1 बजे तक वो बंद हो जाता है। अभी ट्रैफिक प्लस बारिश की वजह से बहुत लेट हो रहा है, तो अभी पहले वहाँ पे पहुँचता हूँ, पहले काम करने को देखता हूँ। तो भीगते भीगते जो है वो कैसे तो दौड़ते भागते आए, लेकिन याद ही नहीं आया आज शनिवार है और ये बंद रहता है। देखो आके भी वेस्ट हो गया, अभी फिर से घर पे जाना पड़ेगा, कल आना पड़ेगा। उदय भी बंद आते ना, आयो परवा जाता, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है मालूम है यहाँ पे। अभी खा रहा हूँ नाश्ता, काम तो नहीं हुआ, भूख इतनी तेज लगी है कि अभी वड़ा ख़त्म करके एक प्लेट इडली भी लिया है। अभी एक टीम मेंबर का बर्थडे, तो उसके लिए केक लेने को आए। इंग्लिश यहाँ पे अभी धंडी में जो फ्लेक्स लगाने वाला है उसका तैयारी चल रहा है, अभी लगाने के बाद दिखाता हूँ आपको। हाँ लेते साइड लेके थोड़ा, हाँ थोड़ा सा खाली छोड़, यो दे अजून थोड़ा खाली। अभी दूसरा वाला जो है वो फ्लैक्स लगाने का काम चल रहा है। ये हमारा शुभम पांचाल, शर्मा रहा है लड़कियों के जैसा, लड़की से पहिलेच बोला। फाइनली आके जो फॉर्म सबमिट करने का था वो किया, लेकिन यहाँ पे ना इतनी भागदौड़ हुई मेरी, क्या बताऊँ आपको। आया था मैं कितने 10:30 बजे आया, पहले लाइन में लगा, लाइन भी बहुत बड़ी थी, उसके बाद डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए 2-3 बार भागना पड़ा, जेरोक्स निकालना पड़ा, फिर जाके सबमिट कर दी, लेकिन अभी ये बहुत लेट निकलने वाला है यार, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है पता है। आज तारीख है 4 सितंबर और वो जो है वो देंगे 23 सितंबर को, फिर उसके बाद अभी देखेंगे, मैं ड्राइविंग स्कूल वालों को जाके मिलता हूँ, वो क्या कहते हैं बाद में बताता हूँ। तो ऐसा जो टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब वो वेरिफिकेशन आने के लिए जाएंगे 20 दिन, उसमें जो स्टैंप लगेगा जो सिग्नेचर लगेगा उसके लिए भी जाएंगे 20 दिन, ऐसा है यार गवर्नमेंट का काम। 7 दिन करना चाहिए यार, चल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 दिन, 10 दिन में वो निकल जाता था, 10 मिनट में ये निकल जाता था, तो मेरा जल्दी हो जाता था काम, लेकिन क्या करे। तो अभी गणपति की जो तैयारी है वो यहाँ पे पुणे में बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो यहाँ पे जो है वो शाम में ढोल पतक जो रहते हैं उनका रिहर्सल चलता है। कभी आऊँगा ना मैं यहाँ पे तो आपको सुनाऊँगा, यहाँ पे इतना बेहतरीन आवाज़ रहता ना यहाँ पे, मतलब एकदम अलग ही घुसबम जैसे ये रहता है, पूरा आदमी खो जाता है ऐसे इधर रहता है वो। बहुत जल्दी गणपति बैठ जाएगा, अभी 2-3 दिन बाद जो है वो जन्माष्टमी, तो जयंती भी हो जाएगी, लेकिन अपना काम नहीं हो रहा है। चलो जाते हैं अभी घर पे, जाके सिर्फ खाओ और बैठो, यही चल रहा है। जब तक लाइसेंस नहीं आता मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो है वो लोग दे भी नहीं रहे, लर्निंग पे भी कोई रिक्शा नहीं देता, बोलते वैसे अलाउड नहीं रहता है। अरे क्या करे, करना वैसे काम तो टेम्प्ररी है, कुछ पार्ट टाइम के हिसाब से कुछ महीनों के लिए, लेकिन देखो उसके लिए भी कितना भागदौड़ करना पड़ता है। रात को वॉकिंग को आए थे ऐसे ही, तो एक नंबर नज़ारा दिखा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया था तो आप लोगों को दिख जाता था, वो मैंने स्टोरी में डाला था, चांद एकदम सही दिख रहा है ना, तो आपको एकदम फोकस करके दिखाता हूँ ठीक से।
वो करता है, फोकस ही नहीं हो रहा है। तो सारी तैयारी हो गई है हमारे यहाँ पे गली में जो है वो दो दिन रहती है दहेंडी। तो आज पहले जो बड़े वाले रहते हैं उन्होंने किया है, कल जो है वो छोटे बच्चों का रहेगा। तो दहेंडी जो है वो यहाँ पे टांगी है। और अभी जो ढोल ताशा पतक है वो आए हुए है जो बजाएंगे, अभी आपको सुनाता हूँ थोड़ा सा। अभी जो है वो दहेंडी फोड़ने के लिए चढ़ना चालू हुआ है। चार बरला तीन चार सेकंड अटेम्प्ट है भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं गिर गया।
थर्ड अटेम्प्ट होने जा रहा है। आधुनिक तर या का तर क्या है सर? आधुनिक तर क्या अरे तबा हो तू तबा 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 ना हो ना ना ए ये कौन तेरी बार का चढ़वा अभी नाइट को नीचे ले लिया है क्योंकि उतने आदमी लोग स्किल नहीं है ये लोग, ये हमने ऐसे नॉर्मली करने वाले हैं। वो फोड़ने वाले होते तो इतना ये आराम से ये हो जाता था। अभी फिर से चढ़ेंगे ना बोलना